शुभ प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन का कक्षा सातवीं का हम पाठ पढ़ेंगे। तो हमने पहला वर्ण विचार देखा है। तो वर्ण विचार में हमने वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के साथ साथ वर्णमाला में कौन कौन से विभाग आते हैं, उसके बाद जो विचार है यानी वर्ण में, तो तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द ये सारे हमने देखा है। तो देखिए, उसके बाद का प्रकरण का नाम है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, आप सभी को संज्ञा पता है, फिर भी हम इसकी पुनरावर्तन करेंगे। तो देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। तो देखिए, अंडरलाइन किया गया शब्द कौन सा है, रेखांकित शब्द कौन सा है, दादी माँ। चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया, तो चित्र के नीचे अंडरलाइन है। एसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, चिड़ियों में मातम छा गया, दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। तो देखिए, यहाँ पर दादी माँ, चित्र, एसम्बा, चिड़िया, एकता, इन सारे अक्षरों के नीचे रेखांकित किया गया है। तो देखिए, ये रेखांकित किए गए शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के क्या है, नाम। वेरी गुड। तो देखिए, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो देखिए, यह संज्ञा की व्याख्या है। तो बच्चों, आपको लिखना है यह अपने CW में, व्याकरण के CW में यह सारी जानकारी लिखनी है। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह है संज्ञा की व्याख्या। तो देखिए, हमने यहाँ तक तो पढ़ा था, आपको पता भी था, लेकिन इसके आगे है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो देखिए, संज्ञा के कितने भेद है, पांच भेद है। कितने भेद है, पांच। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, इन पांच भेदों के हम विश्लेषण देखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या है कि किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं, यानी विशिष्ट व्यक्ति का यहाँ पर अर्थबोध होता है। तो जैसे देखिए, बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, तो इस तरह से यह व्यक्तियों के नाम है। तो यहाँ पर क्या है, विशेष संज्ञा है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए, बाद में जातिवाचक संज्ञा, इस जातिवाचक संज्ञा में हमें पूरे एक वर्ग का बोध होता है। जैसे देखिए, फूल, कांटा, तितली, भौरा, यह क्या है, फूल। फूल यानी यहाँ पर दिए हैं क्या फूल के नाम, गुलाब, चमेली, चंपा, नहीं, यानि यह एक जाति का या एक वर्ग का हमें बोध कराता है या एक वर्ग को सूचित करता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक यानी क्या, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, तो जिन शब्दों से यह व्यक्त होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, खुशहाली, एकता, दुख, सुख, हरियाली, भलाई, वीरता, यह सारे का क्या है, भाववाचक है। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है। देखिए, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का जो गुण है, जो दोष है, उनका जो बोध करने वाले संज्ञा है, उन सभी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, उनके जो एग्जाम्पल से है वह क्या है, एकता, सुख, दुख। तो आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए, समूह यानी झुंड। तो देखिए, यहाँ समूह जैसे जो शब्द है, उन सारे शब्दों को हम समूहवाचक शब्द संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, कक्षा, परिवार, भीड़, सेना, टुकड़ी, ये सारे क्या है, ये आपको समूह दर्शाते हैं। यानी कक्षा, कक्षा में देखिए, आप सभी बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चों के नाम लिए क्या, नहीं, सिर्फ कक्षा कहा गया, यानी एक समूह को दर्शा गया। इसीलिए
इसकी परिभाषा कैसे होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखिए, सेना, सेना की एक टुकड़ी, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि, यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसके आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, पदार्थ, द्रव्य ने पदार्थ या धातु। तो देखिए क्या है, पानी, यह द्रव्यवाचक है यानी पदार्थ है, घी पदार्थ है, चावल यह पदार्थ है यानी उसे परिमाण में तोला जाता हो या उसका द्रव में तोला जाता हो यानी जैसे लीटर और किलो, ये जो दो भिन्न संज्ञा है तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी हम लीटर में तोलते हैं, घी किलो में तोलते हैं, गेहूँ किलो, चावल, सोना, चांदी आदि, यह क्या है, हम इसका परिमाण करते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका संज्ञा, यह जो पाठ है, यह जो लेसन है, यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।